आप पिछले एपिसोड में हमने नीम के चर्म रोगों पर और चेचक पर प्रयोग आपका बताया था। आज मैं कुछ और ले रहा हूं रोग, और उसको देखिए कि कैसे आपका नीम आपके लिए उपयोगी हो पाता है। और मैं आपको बताऊं कि नीम एक अकेला डॉक्टर है, वैद्य है, हकीम है, जो आपके तमाम रोगों से मुक्त करा सकता है, बहुत सारे रोग। नमस्कार, हर्बल पॉइंट बेगूसराय की ओर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ। उसी तरह के आसपास के पेड़ पौधे जो आपके पास है, घास पात, किचन के मसालों, इसके द्वारा आपके तमाम रोगों को दूर करने की मनसा इच्छा करते हुए, और आज तो मैं आपके सामने एक ऐसे वृक्ष को ला रहा हूँ जो मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया में कोई बहुत बड़ा चिकित्सा के लिए उपयोगी वृक्ष हो सकता है, इस प्रकृति ने जो हमें दिया है वरदान, वह ये देखिए वृक्ष है नीम। नीम आप सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि विषम ज्वर, अगर आपको किसी भी तरह का बुखार हो तो आप उसका सीकी देखते हैं ना, सीकी जिसे वो खड़िका टाइप का करते हैं, उसमें काली मिर्च सीकी एक ऐस को ले लीजिए और काली मिर्च भी एक ऐस को ले लीजिए। संख्या कोई ऐसी नहीं है, कम बेसी भी आप कर सकते हैं, और उसको आप एक गिलास पानी में उबालिए, और उबालने के बाद जब आधा बच जाए तो उसको छान के आप पी जाइए, आपके बुखार भी दूर हो जाएगा। बमन, आपको किसी को बमन कराना है तो नीम की लकड़ी जलाकर उसको पानी से बुझाइए, और पानी से बुझाने के बाद पानी जो उससे गिरता हो आप उसको रखिए किसी छलनी पर टीन के, और उस पर पानी डालिए जो नीचे गिरता है, उसको छान के पानी पिलाइए, आप देखिए उसके ये होगा। दाह, अगर बुखार में प्यास लग रही हो, दाह हो रहा हो, तो ये पत्ती को पानी में पीस करके शहद के साथ आप उसको दिलाइए। और ये देखिए जॉन्डिस रोगों में ये बहुत ज्यादा उपयोगी है, इसके छाल को पीस के आप शहद के साथ सुबह शाम पिलाइए, तो सुबह शाम तो पिलाना ही पड़ेगा ना, तो पिलाइए तो आपके जॉन्डिस रोगों से भी छुटकारा मिलेगी। आपको गठिया रोग हो गया तो इसका पत्ता लीजिए और परवल का भी पत्ता लीजिए, दोनों का क्वाथ बनाइए और शहद के साथ उसका प्रयोग कराइए, देखिए आपके गठिया भी से मुक्ति मिलेगी। कृमि रोग के लिए तो ये बहुत सी जबरदस्त है, इसके पत्ते का रस में शहद मिला के दीजिए, आपके पेट के कीड़े सारे मर जाएंगे। दांत रोग में तो आप इसके फूल के काढ़ा से कुल्ला कीजिए, दांत और मसूरों का रोग खत्म होगा। छाल का काढ़ा पीजिए, छाल का भी काढ़ा पी सकते हैं, और नीम का दतौन कीजिए, ब्रश के तरह से नीम का प्रयोग कीजिए, तो आपके दांत के भी रोग आपके खत्म होंगे।
बाल के लिए इसके तेल बहुत उपयोगी है, और नीम के तेल का नाक में लेके नस लीजिए। इस तरह से नस लेने से क्या होगा कि एक आध महीने में आपके बाल काले भी होने लगेंगे, और अगर बाल झड़ रहा हो या मान लीजिए आप गंजा भी हो रहे हो चुके हो तो ये उगना शुरू हो जाएगा। अर्श के लिए यानी बवासीर के लिए, खूनी हो, बादी हो, जो भी हो, तो 10-12 नीम का फल का गिरी ले लीजिए, फल के गिरी मैंने उसके बीज, और उसको पीस के दही के साथ पीजिए। आपका तीखा लगेगा, नीम तो तीखा लगेगा ही, उसे कोई घबराने की बात नहीं। और उसकी एक गोली भी बनाइए गुड़ के साथ, वही नीम की गिरी को पीस के गुड़ के साथ गोली बनाइए, और उस गोली को भी सुबह शाम प्रयोग कीजिए, आपका वो ठीक हो जाएगा। नेत्र रोग में इसके कोमल पत्ते के रस को गर्म कर जिस आंख में दर्द हो रहा है, जैसे आपके लेफ्ट बाएं आंख में दर्द हो तो दाहिने कान में 2-3 बूंद डाल दीजिए, और अगर दाहिने आंख में दर्द हो तो दाहिने आंख में दर्द हो तो बाएं कान में डाल दीजिए, मैंने ठीक उल्टा, अगर कहिए दोनों कान में दर्द हो तो दोनों में डाल दीजिए। और देखिए इसमें क्या है कि आपका फूल ले लीजिए, उसको छाया में सुखा लीजिए, और उसमें कलमी छोड़ा मिला के आप पीसिए, और पीस के आंख में अंजन के तरह प्रयोग कीजिए, तो उससे आपका वो आंख का जो फूला मारा और धुंधला होना ये सब ठीक हो जाएगा। पथरी के लिए, पथरी में भी आप नीम को याद कीजिए, नीम का जो रस होता है उसका 1/2 चम्मच आप रोज पिलाइए, या पत्तों को आप जला के राख बना लीजिए, आप उसको पत्ते को सूखे पत्ते को जला कर राख बना लीजिए और 1/2 चम्मच उनको रोज दीजिए। नकसीर में देखिए, नाक में अगर खून निकल रहा हो तो पत्तियों को अजवाइन के साथ पीस करके आप कनपट्टियों में उसका लेप कीजिए। यहां पर मासिक के समय में रुकावट अगर आता हो तो 20 ग्राम छाल लीजिए और पुराना गुड़ भी 20 ग्राम लीजिए, 100 ml पानी में उबालिए, जब 25 ग्राम बच जाए तो उसको पी जाए। जोड़ों के दर्द में छाल को पीस कर आप लेप कीजिए, उसके छाल को पीस लीजिए और उसका लेप कीजिए। लू लग जाए तो पंचांग उसका लीजिए, जड़ मैंने उसका छाल पत्ता फूल फल ये सबको पीस के और उसको पानी के साथ अगर पिलाइएगा ठंडाई की तरह शरबत की तरह तो आपके लू में भी आराम मिलेगा। बर्रे बिच्छू इस तरह के विषैले कोई जंतु काट लिए हो तो पत्तों को पीस कर और उस पर लगा दीजिए प्रभावित जगह पर जहां काटा हो, तो आपको आराम मिलेगा। सांप के विष की परीक्षा, आप उसका विष लग गया कि नहीं लग गया, आप जिसको सांप काटा हो उसको नीम के पत्तियों को चबाने के लिए देंगे तो वो उसकी कड़वाहट उसे नहीं लगेगी, उसका कोई कड़वाहट नहीं लगेगा, तो आप समझ लीजिए उसको विष लगेगा, फिर उसका अन्य उपाय कीजिए। रतौंजी अगर किसी व्यक्ति को रात में नहीं सूझता तो उसके तेल से आइए हल्का सा तेल आंख में लगा दीजिए दोनों में और उसके रस को पिलाइए। देखिए परसव के समय में भी ये कमाल का काम करता है, जिस तरह सापा मार्ग करता है, तो आप इसके जड़ को कमर में बांध दीजिए, देखिए आपका बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, प्रसव हो जाएगा, लेकिन प्रसव होने के बाद तुरंत ही आप उस छाल को खोल दीजिए, नहीं तो नुकसान भी हो सकता, समझ रहे कि नहीं। फिर विष में लीजिए, किसी तरह का विष हो, अफीम का विष हो, किसी चीज का विष हो, अगर वो विष लग गया हो तो उस विष में क्या कीजिए कि फलों की गिरी उसका बीज ले लीजिए और गर्म करके आप उसको पिलाइए। मर्दों के लिए अगर सुजाक हो गया हो, गरेड़िया हो गया हो, तो पत्तों को आप क्वाथ बनाइए, उसको धोइए भी खाइए भी। देखिए नीम का गोंद जो होता है वो बहुत शक्तिदायक होता है, नीम में गोंद भी होता है, वो शक्तिदायक होता है और रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, मैंने ब्लड सर्कुलेशन को काफी तेज कर देता है। और ये जो दमा में आप क्या कीजिए, यदि दमा हो तो दमा कितनी खराब बीमारी है वो आप समझ रहे हैं, लोग कहते हैं दमा दम के साथ ही जाता है, लेकिन तेल का आप 30-40-50 बूंद
पान में डाल दीजिए, पान का पत्ता लीजिए उसमें डाल के उसको चबाइए दिन में 2-3 बार, आपके दमा में आराम होगा। तो ऐसी स्थिति में आप नीम का स्वागत करें। नीम के लिए दूसरे देश परेशान है उसका पेटेंट कराने के लिए, अगर किसी ने पेटेंट करा लिया तो हम लोग बड़े घाटे में रहेंगे। तो बंधुओं इसका प्रयोग कीजिए, इसका लाभ लीजिए, और अगर आपको लाभ होता हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में इसकी सूचना दीजिए, और ये अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के लिए, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद मैं आपको अन्य कठिनाइयों के लिए अपना ये नंबर दे रहा हूं, 9430416408। आप टेलीफोन करें, मैं या मेरा कोई स्टाफ उठाएगा और आपको जवाब जरूर देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके काफी बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। नीम बहुत जबरदस्त चीज है। देखिए अपने घर का नीम जो है, यह नीम इसको समझिए बहुत बड़ा वैद्यकी। धन्यवाद।